नागपुरात एक खळबळजनक घटना घडली जिथे एका डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे 28 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबियांनी केला आहे. कुणाल रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पत्रकार परिषद बोलावून पत्रकारांना सदर प्रकरणाबाबत माहिती देत सांगितले की कुटुंबियांनी रुग्णाला रुग्णालयात आणले तेव्हाच तो मृतावस्थेत होता, मात्र कुटुंबियांनी वस्तुस्थिती न स्वीकारत रुग्णालयात आणि डॉक्टरवर हल्लाबोल केला. नागपुरातील मानकापूर पोलीस ठाण्यांतर्गत 28 वर्षीय तरुणाचा आकस्मिक मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 28 वर्षीय राहुल युनाते याला सकाळी 10:50 सुमारास छातीत दुखू लागल्याने त्याच्या कुटुंबियांनी मानकापूर चौकातील कुणाल रुग्णालयात तपासासाठी आणले होते. उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केल्याचे कुटुंबियांचे म्हणणे आहे. तर डॉक्टरांनी स्पष्ट करत सांगितले की राहुलला रुग्णालयात आणले तेव्हाच तपासणी केली असता तो मृत असल्याचे डॉक्टरांना कळले. त्यांनी कुटुंबियांना सदर माहिती दिली असता त्यांना विश्वास बसला नाही आणि त्यांनी प्रत्यक्ष त्यांच्यासमोर ECG काढण्यास सांगितले. ECG अहवालात स्वयंचलनामुळे नाव चुकीचे छापण्यात आल्याने डॉक्टरांनी ते नाव कापून तिथे राहुलचं नाव लिहिल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. मात्र हे बघून कुटुंबियांना गैरसमज झाला आणि त्यांनी चुकीचा अहवाल दाखविल्याचा आरोप डॉक्टरांवर केला. तसेच पुन्हा ECG अहवाल काढल्यावर त्यात हलके व्हायब्रेशन्स आढळले असता त्यांना रुग्ण जिवंत आहे असे वाटले आणि त्यांनी रुग्णालयात धांदल सुरू केली. पेशंट नाम राहुल बलराम युवते 28 मेल आए थे कैजुअलिटी में. पहले हमारे CMO ने देखा उनको. CMO ने उनको देखा क्योंकि पल्स नहीं है, पिपल डायलेटेड फिक्स है, ECG में फ्लैट लाइन है. तो उन्होंने बोला सर पेशेंट ब्रॉड डेड है. मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म किया. मैं इमीडिएटली कैजुअलिटी पहुंचा पेशेंट को देखने के लिए. पेशेंट को मैंने पहले एग्जामिन किया. पेशेंट की पिपल डायलेटेड फिक्स थी, पल्स नहीं थी, BP नहीं था और ECG में फ्लैट लाइन दिखी मुझे. तो मैंने रिलेटिव से पहले बात की कि क्या हुआ करके. सबसे पहले हम लोग को हिस्ट्री पूछना होता है कि क्या हुआ करके. तो उसको पूछा मैंने कि भाई क्या हुआ करके. तो वो बोले कि सर रात में चेस्ट पेन हुआ था, वो कोई MBBS डॉक्टर के पास गए थे, नाम नहीं बताया. मैंने उनसे ECG की डिमांड की कि चेस्ट पेन था तो ECG करना, MBBS डॉक्टर तो ECG करेगा. तो बोले नहीं हमारे पास ECG नहीं है. और रात भर पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ. एक ने मुझे हिस्ट्री दी कि पेशेंट रात में उठा ही नहीं और दूसरे ने मुझे हिस्ट्री दी कि ये सुबह पांडे ले गया था. तो कॉन्ट्रडिक्टरी थी. मतलब कोई बात नहीं अभी, लेकिन पेशेंट की ये उनको इन्फॉर्म करना होता है पेशेंट को कि पेशेंट ब्रॉड डेड है करके. तो उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और वो एग्रेसिव हो गए. बोले हम दूसरे हॉस्पिटल ले आना चाहते हैं. तो उन्होंने बोले ठीक है. तो उन्होंने ECG की डिमांड की मुझसे कि आप ECG दिखाओ फ्लैट लाइन वाला. उनको ECG दिखाया. लेकिन ECG में क्या हुआ, जो प्रिंटेड जो नाम आया था, जो क्योंकि इमरजेंसी में हम नाम फिट नहीं कर पाते तो जो प्रिंटेड नाम था उस पर उसको कट करके उस पर पेशेंट का नाम लिख दिया गया. ठीक है. तो उस बात पर उनको वो हो गया कि भाई पेशेंट का नाम यहाँ पे फीमेल दिख रहा करके. तो उनको बोला ठीक है आपके सामने हम रिकॉर्ड करके ECG कर दें. तो उनके सामने उनकी रिकॉर्डिंग में ECG हुआ. और जब तक लेकिन 20-30 लोग और बाहर से बात है, एब्यूसिव लैंग्वेज शुरू हो गई जब तक क्या. और ये वो ECG है, अगर आप देखेंगे ये वो ECG है जिसमें सब कुछ जीरो है, हार्ट रेट जीरो है. ये जो थोड़े बहुत वाइब्रेशन आते हैं ECG में, उस बात को लेके वो एग्रेसिव हो गए. बोले कि देखो हमारा पेशेंट जिंदा है करके, हमारा पेशेंट जिंदा है करके. और उन्होंने मारतोड़ शुरू किया. कोई एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया. ये वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं. मेरा कॉलर पकड़ा, मुझे खींचा और एक बंदे ने आके मुझे हिट किया, दो बार हिट किया. आई गॉट अ सीरियस इंजुरी. मुझे बायलैटरल नेजल फ्रैक्चर है, मुझे हीमोसाइनस है, मुझे ब्लीड हुआ. और 15-20 मिनट तक तो मुझे कुछ दिखा नहीं. लकीली मैं बच गया. वो मुझे ड्रैग करना चाह रहे थे बाहर, 20-30 लोग जो बाहर बैठे थे, पर लकीली मैं वहाँ से एस्केप हो गया और हम लोग फिर अपनी जान बचा के फर्स्ट फ्लोर पहुँचे. ये इन्सिडेंट हुआ मेरे साथ. रुग्णालयातच रुग्णाला आणलं तेव्हा तो मृतावस्थेत होता. तसेच इथे रुग्णालय प्रशासनाची काहीच चूक नसल्याचा दावा कुणाल रुग्णालयाचे संचालक डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव यांनी या पत्रपरिषदेदरम्यान केला. जैसा अभी आपको डॉक्टर नांतिक ने बताया, ये इंसिडेंट हमारे हॉस्पिटल में हुआ है जिसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है. पेशेंट मृत अवस्था में लाया गया और हमने उनको उनके डेथ इन्फॉर्म की गई. उसको रिलेटिव ने इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया, पूरा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया. हॉस्पिटल में ECG मशीन, डिफिब्रिलेटर, मॉनिटर सब चीज़ ब्रेक किए, पूरे कांच फोड़े, सब जगह पथराव किया. तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. ये यदि ऐसा करेंगे जो लोग जान बचाने के लिए बैठे हैं और उनके साथ हॉस्पिटल में इस तरह का बर्ताव होगा तो पेशेंट को ट्रीट कैसे कर पाएंगे. जबकि हमारा काम है लोगों की जान बचाना. तो इसका मतलब है कि यदि हम आगे, हमको बहुत डिफिकल्ट जाएगा और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और हमें विश्वास है कि इसके ऊपर एक्शन होगा
और ये बहुत हम लोग सब इसको कंडेम करते हैं, द एंटायर डॉक्टर फ्रेटर्निटी। सिर्फ ये कुरान हॉस्पिटल का सवाल नहीं है, बाकी नागपुर के सभी हॉस्पिटलों का सवाल है। तो ऐसे में आप यदि इस तरह के बर्ताव करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पेशेंट को ट्रीट करना। वो करीब 10:50 पर आया, हमारे टीवी फुटेज में भी वो सब है, एंट्री का टाइम दिया हुआ है और टाइम जो रिकॉर्ड किया है, टाइम जिस समय आया था हमारे कैजुअलिटी के अंदर है, वो टाइम 10:50 का है।